अलैकुम नाज़रीन, और मैं आयशा, क्या हाल हैं जनाब? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे व्यूअर्स, तमाम मेरे भेणी और तमाम प्यारे प्यारे सहेलियां, गुड मॉर्निंग और जी आया को जी, बिल्कुल सवेर दे रंगे तो खुश आमदीद आकसी आयशा। और क्या थींदा फिर, क्या आजकल मसरूफियत है? अच्छा, रोज़ रोज़ जिवें तुहाड़ी बहुत सारी ड्यूटियां होने, तुहाड़े लोगों के मतलब डेली नाश्ता बनाने और नाश्ता भी चेंज होना बहुत ही जरूरी है ना? डेली एक नाश्ता बर्दाश्त नहीं थींदा, इवें ही डेली जरा दोपहर के खाने की असं गल करने हैं तो डेली यकीनन मेन्यू भी चेंज करना पौंदे थे कि आज ये पकने, आज दाल पकनी, आज सब्जी पकती, आज फलां सब्जी पकती, आज फलां फलां फलां। और अगर चेंज ना हो तो यकीनन हर बंदा उकताहट का शिकार होते, मम्मा आज फिर यही पकाई दाल, आज मम्मा बैंगन बनाए, मतलब इन तरह की सिचुएशन होती है। इवें ही मैं मिसाल दसा अपने मॉर्निंग शो की कि डेली डेली जल्द से थाने पे होने और रूटीन होती है सारी, तो डेली साकू भी मसला भी होंगे, सोच भी होंगी कि आज क्या करनी, आज क्या बोलनी, आज क्या होना चाहिए थिया, कि चेंज घिन के आना जिंदगी में बहुत ही जरूरी होंगे थे। इवें ही प्रोग्राम भी चेंज घिन के आना पाते थे, डेली नवे गेस्ट होने थे, नवी गाल होंगी है, और मैं कोशिश करती पाई होने को घिसे पिटे सवाल जड़े हैं उन्हें को थोड़े हट के कोई गाल की वन, जो मेरे गेस्ट आने बड़े कॉन्शियस बाज टाइम होने, अब मेरा दिल आता पे ना सच्चे सच्चे गाल ही मैं तक दस देवा, बाज टाइम बड़े कॉन्शियस होने थे, आयशा सर फर्स्ट टाइम है, क्या पूछेंगी, क्या करेंगे, ये है वो है। अच्छा, बाज टाइम तो सवाल नामा इतना बड़ा पलंदा ना मेरे को रेता पे थे, आयशा ये सवाल हैं तो साहब पूछाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आने जो कि पहली दफा आते पे, उन्होंने मेरे वास्ते भी नॉन पर्सनैलिटी नहीं होती, मैं भी नहीं जानती होती। अच्छा, मेरा मेरा क्या होती थी कुछ टाइम पहले, शायद मैं इवें ही करेनी हम आदि ने कुछ लोग हुए लकीर थे फकीर के, यार ठीक है सवाल आते पे ले लो जी, तुहाड़े को मैं ये पूछ गई सर, लेकिन हूँ मैं थोड़ा आदि ने चेंज जरूरी है, तो मेरे को लगे कि यार टिपिकल स्टाइल तो हट के निकल पो, क्या एको स्टाइल है, एको सवाल घसे पिटे सवाल, हॉबीज हैं फला फला फला। अच्छा, पूछते हैं आसान, लेकिन थोड़ा वे बदलना बहुत ही जरूरी होंगे, ये नहीं कि नहीं पूछते, क्योंकि हर पर्सनैलिटी दे अगर ऐसा हिसाब न गाल करनी है या इंटरव्यू चल तो घिनते हो, मैं बड़ी आदत पै गई है, मैं रूटीन वाइज जो लोगों नाल मिलती हाँ तो मैं इतना ज़्यादा खुरेदी हो समय को लगते कई टाइम कि लोग अपने दिल की जो गाल नहीं है बाद टाइम इन्हें भी शेयर कर देने, और बाद को एहसास थी कि ऐसा अपने पर्सनल मैटर भी आयशा नाल शेयर करके दें, ऐसा भी थी यानी कि आदत बनने दी है खुरेदन की या सवाल करने की, और ऐसे अंदाज नाल करना कि वे बंदे को पता भी ना चलना, फ्रेंडली फ्रेंडली और फ्रेंडली फ्रेंडली बहुत सारे गाल ही होने जो कि वो डांस भी बने थे, और बाद पता चलता है अच्छा ऐसा इतनी प्राइवेट गाल भी आयशा नाल शेयर कर रहे थे। इवें ही जैसे गेस्ट आने था मैं हमेशा उन्हें को आती हाँ कि भाई मेरे शो ते टेंशन नहीं घेरनी, और मेरा मैं कोशिश करनी हाँ कि असल लोग इवें गुफ्तगू करूँ, क्योंकि जिन्हें लाजमी गल है हर बंदा इंसान है, और एक मैं समझती हूँ मैं बहुत ज़्यादा जहीन फतीन कह रही, और ना ही कोई होंगे थी और ना ही समझना चाहिए, मैं समझती हूँ असा बहुत कुछ असा सीखते पे होने, मैं बाजे टाइम अपने शो तो सीखती पाई होनी, तुरे लोगों को सीखती पाई होनी, अपने गेस्ट जो आते पे होने उन्होंने को बहुत कुछ सीखती हाँ, ये नहीं कि मैं एक परफेक्ट हाँ लेडी, मैं बिल्कुल परफेक्ट कह रही, बहुत सारे गलतियां भी ऐसा करेंदे पे होने हैं, लेकिन सवाल भी सब कुछ चलता आते थे थ्रू आउट चलता पे होने, तो मैं उन्होंने को सीखती पई होनी और वह कुछ जानती पई होनी, तो मेरी कोशिश यह होंगी है कि जो मेरा माहौल है शो का बड़ा कंफर्टेबल हो, जो गेस्ट आवे वो फील करे रिलैक्स ही रिलैक्स हैं ऐसा, और कोई अजीबो गरीब सवालत कह नहीं, और जिमें वो चाहता पिया हो देखे कंफर्टेबल माहौल हो, और मैं क्रिएट करेनी हाँ बाजे टाइम स्टार्ट ही मेरी कोशिश होंगी। अच्छा, बाजे टाइम स्टार्ट ना क्रिएट कर पाव तो वाल ब्रेक में उन्होंने को समझें बैठी, यार खुला डुला शो है तोड़ा शो है, और तुस जिमें अपने आप को दसना चाहते हो, जिमें अपने बारे में लोगों को मतलब कहानी पेश करना चाहते हो, तुम दस सकते हो, और मैं समझें भी पाई होनी है कि लोग कहानियां जड़े हैं वो ज़्यादा पसंद करें, सबको स्टोरीज अच्छे लगते हैं और हकीकत है जो सब मिलते हैं एक बेद नाल, और नपी तुली गाल करेंदे पे होने हैं तो सबको बड़ा अजीब फील थी पे होंगे, थोड़ा रिजर्व थी मैंने यार ये बंदा खुलता नहीं पिया, ये कुछ अपने बारे दसना नहीं चाहता, क्योंकि सबको बड़ी जुस्तजू होंगी है ना, सच्ची गाल जी मैं दस सा असा बहुत कुछ दूजियां के बारे च जानना चाहते पे होने, बहुत सारे साकू पर्सनैलिटीज ऐसे मिलते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हों के बारे जानना चाहते पे होने कि ये लाइफ किवें गुजरे थे,
इन्हें दे वे ऑफ लिविंग कहे और ए, मतलब इन्हें दी जड़ी होर्स पर्सनैलिटी होल पर्सनैलिटी वो की हो गई है पे क्या इन्हें दी नेचर है क्या पसंद है क्या नापसंद है लेकिन गाल है कि सबको पूछने का तरीका बाजे टाइम नहीं आता पे आता कि एड़े तरीके नाल नहीं बंदे दे बारे च पूछो या बाजे टाइम किवें असा फ्रेंडली थी सकते हैं तो ये तमाम चीज़ा मैं आदि असा अपनी जिंदगी सीखते पे होने और सीखना चाहिए थी। अच्छा अज के मौजू वाले असा वैसे तो मैं पूरा प्रोग्राम विच ला सकती हाँ अपने बारे में अपने शो के बारे अपने मेहमानों के बारे गाल करे सर लेकिन मैं थोड़ा हट के भी गाल करे स कि अज जो मेरा जहन सुबह सुबह एक गाल आई है वो ये है कि असा लोग खुश किए रह सकते हैं मैंने इसको कि कुछ एक डूडी मैं भी थोड़ी डिप्रेस रही माजर के नाल मैं भी इंसान हाँ मैं भी रह सकती हाँ बाज टाइम तक वो कुछ लोग मतलब टेंशन घिन के आते पे होने थे बाज बिहेवियर होने कुछ रवैयो ऐसे होने जिन्हें कुछ देख के थोड़े डिप्रेस थी वेंदे हो और तुसा थोड़ा ठीक है मॉर्निंग शो है मेरी जॉब है मैं कोशिश करेंदी पी होने की खिलदी हंसती मुस्कुरादी नजर आवा हमेशा तारे लोगों को तक लगे कि आयशा कितनी हैप्पी वाकई अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का जितना शुक्र अदा करा उतना ही घाट है कि मैं एक अच्छी लाइफ गुजरे दी पई हाँ लेकिन बाजे टाइम कोई भी बंदा डिप्रेशन चला वे कई भी वजह थी सकती है कई बिहेवियर को लोग इर्द गिर्द के लोग ही तक तो मुतासर करें पे होने थे बाजे टाइम। अच्छा बाजे टाइम तारी तनहाई भी तक तो मुतासर करें पे होंगी यकीन वे सो जरा काम से वे तू निकलते हैं इतने थके हुए होने के असर कहीं को भी टाइम नहीं देते पे होते। अच्छा उमल ऐसा गिला क्या करें मैं लोग सको आते पे उनके तो सारे फंक्शन में नहीं आते आयशा तो सर सोशल घाट हो वाकई मैं बहुत घट सोशल थी गई हाँ जड़न मैं मॉर्निंग शो करें रात को जल्दी समणा होंगे थी अगले दिन की तैयारी होंगी है एक ड्रेस की तैयारी होंगी है मेकओवर की भी होंगी क्या क्या करने क्या स्टाइल होना चाहिए ज्वेलरी होंगी है शूज मैचिंग होने और इनके अलावा थीम जरा सा बनाया होंगे उसके भी थोड़ा होंगे थोड़ी रिसर्च करें पी होनी कि अज कि नवी गाल अलाउनी है क्योंकि चेंज जिमें मैं आप चुकी हूँ कि हर बंदा मंगता पिया होता है एक ही दाल नहीं डेली खाती बन सकती एक ही सब्जी जड़ी है डेली नहीं खाती बन सकती और एक ही गाल डेली तो आपको भी ना पहुंच सके अगर मैं डेली एको गाल रिपीट करें रहा सर रिपीट करें रहा सर तो आपको क्या है यार आयशा कोई नवी गाल तो इवें ही लाइफ में हर दफा चेंज होना जरूरी है अपने गाने नाल अपने ड्रेसिंग के नाल अपने बहुत सारे चीज़ें हैं जो सब बदलेने हैं और वह चेंज घिन के आते पे होने गाल है खुशी की तो कि खुशी किवें हासिल कर सकते हैं। अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस गेन किए मैं अपनी जॉब तो बोलन तो अलावन तो मेरे दिल जड़ी चीज़ होंगी है जड़ा गुस्सा होंगे मैं आधे बाद टाइम मैं आधे मैं डिप्रेस होनी हाँ या मैं कुछ कुछ फील थी दे मैं आनी हाँ और मेरे को एक प्लेटफॉर्म मैसर है मैं खूब अलेनी हाँ खूब बोलेनी हाँ तुरे नाल और दिल दी आदि ना भड़ास निकाल खेलनी हाँ और उन्हें बाद पूरा दिन मेरा एक अच्छा सुकून तक गुजर दे इवें ही रूटीन वाइज मेरी जी भेन मेरे को घर देती बैठी होंगी है उको भी एक ऐसे ही माहौल की जरूरत होती है कुछ ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जेडे कि उनकी गाल तहमुल नाल सुनें ए मेरे जेडे भी रा देते बैठे मेरा शो यकीन तुसा भी यो चाहते पे हो सो तुसा बाजे टाइम अपने दोस्तों नाल शेयर कर घेंदे हो क्योंकि मर्द ज़्यादातर बहर रहने थे बहुत सारे दोस्त मिलते थे ग्रुप होंगे जम इवनिंग के टाइम जमा थी है कितने बन के चाय पीने हैं मुल्तान बहुत सारी जगह हैं जितना मैं अक्सर लोगों को देती हूँ कि लोग स्पेशल गर्मी भी है लेकिन चाह पीने वास्ते गपशप मारने वास्ते जमा थी थे बाकायदा अपनी पूरी नींद जितनी टेंशन जितने मसले मसाइल हैं डिस्कस करें मशवरा करें थे और उनके बाद एक फ्रेश थी कि अपने घर वर्दन थे ये होंगे मर्दों की रूटीन तकरीबन ज़्यादातर लेकिन जड़ी एक औरत थे जड़ी एक मैद त्रीमत थे जड़ी घर बैठी है उको भी एक ऐसे ही कंपेनियन में आधियाँ एक साथी दी एक ऐसी सहेली दी कई वेले ऐसे दोस्त की जरूरत होंगी है जड़ी कि उन्होंने पूरे दिन के मसले सुने मसायल सुने जहन जो पकदा पे थे गाल ये कि हर बंदे की एक अलग सोच होंगी अलग एक हट के सोच रखे हैं असर बड़े किताबी गाल ही करे मेरी कोशिश होंगी कोई किताबी गाल कहना करे समय जो जहन च पकदा पिया होंगे थे वो दसना चाहती पी होंगी है कहीं को ताकि उसको भी सुकून मिले उसको भी खुशी मिले तो वह यकीनन पहले तो यकीनन हस्बैंड लेकिन हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता कि वो तुरी गाल सुनन थे क्योंकि वो थके हारे आने थे वाल उन्होंने नीड्स होने खाना दिती वने कल दी उन्होंने मेरी तरह मेरे खाले प्रिपरेशन होती जॉब वाले बंदे इवें ही बिजी रहने थे लेकिन वाल कोई ना कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए मैं आदि हाँ सहेली होनी चाहिए है कोई ना कोई ऐसा मैं आदि अम्मा अब्बा विच कहीं ना इतनी फ्रेंकनेस होनी चाहिए है भेणी विच होनी चाहिए है भरावान नाल होनी चाहिए है कि तुसा उन्हां नाल अपनी हर गाल में आदि डिस्कस करो
और मैं आती हूँ उन्हें स्टैमिना होना चाहिए। देखिए सुनें अच्छा ये बड़ी घट लोग में स्टैमिना पाए हुए थे मैं आती हाँ इतना कि वो कहीं भी सुनें थे सुने तो हर कोई है पर सुन दा बहुत घट लोग हैं यानी सुन दे बहुत घट लोग हैं साढ़े बच्चे सुन की जी मैं आती एक पावर होंगी बहुत घट पाए बहुत है लेकिन सुनना चाहिए दूजियां की गल समझो कि बंदा या बंदी आखना क्या चाहती है ये क्यों डिप्रेस है। और मेरे अक्सर फ्रेंड्स मेरे को रात को मैसेज कर थे और उन्हें बाद अक्सर बाजे टाइम मैं उन्हें को मशवरा देती पई हूँ अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर कर दी पी हूँ कि खुश रहने तो करना क्या है। अच्छा आज मैं जरूर अपने नाजरन को दसा कि खुश रहा से करना क्या है। एक दूजे के मामलात मुदाखलत नहीं कर रही अगर तुम चाहते हो तो खुश रहो तो पहला काम यो है पे दूजे के उत्ते तनकीद नहीं कर रही कोई जीवें है जिमें करेंदा पे जिमें बांधा पे जिमें खांदा पे जिमें पेंदा पे क्योंकि ये चीज़ें बड़े काउंट करेंदे पे उन्हें अच्छा ही चीज़ से डिस्कस ज़्यादा करेंदे पे यार यार उन डिठे उन्हें कितना खर्च करे थे क्या है उनकी इनकम तो ये है पे साकू क्या जरूरत पई है कहीं दे घर च झांकण दी असं क्यों झांकते हैं वाए सारी अपनी लाइफ है असा को बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ को मेहनत करो कोशिश करो बेहतर करो और क्रिएटिव सोच रखो नेगेटिव जड़ी सोच है को मनफी सोच को ख़त्म करो और इन्हें रवैया ई क्यों है ऊ क्यों है इस चीज़ें बड़े रूटीन वाइज नोट करें रहने और यो ही नोट करें रहने पूरा दिन सवेर तो उठते हैं और शाम तक यो नोट करें रहने आज सास का मूड खराब है पता नहीं क्यों सासू माँ का मूड खराब है मैं तो कुछ अकीदा ही कहने अज फलानी का ई मूड नहीं देखना कहना क्या मूड है कोशिश करनी है तो सब प्यार ना अलावने थिया अच्छा रिस्पांस देवने थिया और थोड़ा 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 चेंज खेन किया अपनी शख्सियत विच हर चीज़ ते ब्लेम नहीं देवना दूजे उत्ते इल्ज़ाम नहीं देवना कि इन्हां दी वजह नाल मेरी लाइफ अज इवें है मेरा अगर हसबेंड फलां फलां होंदा अफोर्ड कर पाँदा अज मेरा अलग घर होंदा अज फलां चीज़ होंदी मेरे को अज फलां होंदा मेरे को लोगों के गाल ही ना सुनने पर मैं आती हाँ अल्लाह ताला दा हर हाल विच शुक्र अदा करो और तले वाले लोगों को देखो तुसा अगर कूलर में समझते हो पखे ते समझते हो तो उन्होंने लोगों का सोचो जिन्हें को सहूलत में असर क्या नहीं अगर तुहाडे कोल एसी है एसी की सहूलत है उन्होंने लोगों का सोचो कि जिन्हें को एसी क्या नहीं और गर्मी में बेचारे किवें लाइफ गुजरेंदे पे हो इवें ही जनाब मैं आदि अगर तुहाडे कोल गड्डी है तो सोचो कि वह लोग जड़े कि बाइक ते हैं या मोटर साइकिल ते हैं पे या वे बे सवारियां ते हैं वो किवें चिंची ते किवें रोल रहे थे यानी ये सोचने थे ये नहीं देखना कि मेरे को उच्ची गड्डी क्यों कह नहीं अच्छी गड्डी क्यों कह नहीं मतलब ये सोच है अगर तुहाडे कोल साइकिल है तो तुसा वल भी खुदा दा शुक्र करो कि तुसा उन्हां लोगों को बेहतर हो जिहड़े कि लोग पैदल चलते पे थे यानी कि अगर असा ये चीज़ को देते हैं तो मैंने इसको साकू शुक्र पढ़ने की एक आदत पैदा थी सी और अस एक खुशहाल खुशहाल जिंदगी गुजरे सो मजीद बहुत सारे अज गाने करे सा दिल खोल के गाली करे सा मेरे गेस्ट भी हो सन थे सिंगर भी हो सन थे कुछ देर बाद लेकिन ये टाइम जल्दी मैं एक छोटी जी ब्रेक ते कि थे ना वे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सुता को सवेल दे रंगे एक दफ़ा दोबारा और मज़े की गपशप लगती पे मैं दिलादे में कल ही अलेंदी रहा है ना ज़रूरत क्या है लेकिन ज़रूरत है क्योंकि मेरा जरा प्रोग्राम है वो मेहमाना के बगैर सज नहीं सकता थे और अच्छा नहीं लग सकता है ना मेरे को भी फील थी और तौको भी लगता उसी यकीन ई टाइम चलसा और सारे ही एक प्यारे प्यारे कोलीग ई टाइम सारे नाल हिन पे कहीं मिले तो माशाल्लाह मूड विच हैं मूडी बड़े हैं। अच्छा ये आज बड़ी मजेदी गाल है मेरे जो एक कोलीग हैं ये बड़े मूडी हैं मूड अच्छा होवे और तवाल तो स्माइल है और अगर मूड अच्छा ना होवे तवाल जनाब जी परे परे माजे दे नाल मैं सच सच ज़्यादा बोले दी हाँ कई मेरे लगता कि ये आदत भी थोड़ी चेंज करनी चाहिए मेरे को। अच्छा जी सीनियर रिपोर्टर हैं सारे न्यूज़ वन दे और वसीब दे जुनेद मलिक हैं सर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आया को है ना जुनेद ये आदत बदलनी चाहिए ना मेरे को थोड़ी नहीं आदत मेरा नहीं ख्याल के मेरा नहीं ख्याल के बदलनी चाहिए थी हाँ नहीं अच्छा अच्छी इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जो कि तो सब लोग होवे नहीं नहीं न्यूज़ डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हकीकत पसंद है वाकई नहीं साडा डिपार्टमेंट जेड़ा है वो जरी गाल है कि करंट इश्यूज दे उते चलदा पे हुंदा ते ई पारू बहुत ज्यादा जेड़ा है ना स्ट्रेस दा माहौल हुंदा है क्योंकि न्यूज़ देख 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 के असा जेड़ा है ना
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे विच जान होने हैं कि भाई पता नहीं अगले लम्हे क्या थी दे सही ते सही आवाम को क्या दसना पौंदा क्या अच्छा नहीं। बादशाह सब असाक्त पाकिस्तान के शहर में थी पे थी ठीक है, लेकिन एक मुल्तान है जहाँ तक बारिश नहीं थी और रात को खूब गरज है और लगता पिया है कि हवा चल रहे पैन के बारिश थी सिवाल भी नहीं थे। क्या है रिपोर्ट जरा मौसम के हवाले सूरत हाल दस को क्या है, कोई आइंदा 24 घंटे कोई गरज चमक नाल बारिश थी सी या क्या नहीं, ना थी सी? मुल्तान जो है वो अभी तक तो कोई बारिश जो महकमा मौसमियात के मुताबिक नहीं है। लेकिन आज मैं आखिर सराइके वैसा आज ये भी मैं पहली शर्त नहीं रखी सर कि मैं को मुकम्मल अब नहीं कहनी है। पर जरा चलो ठीक है महकमा मौसमियात के मुताबिक जरा है ना हमने तक तो कोई यो जी पेशन गोई कह नहीं की थी गई कि जरा ना मुल्तान में बारिश है, हाँ क्योंकि मूनसून की पहली जरा बारिशों का आगाज जरा थी आया सब तो ज़्यादा जो इलाका है अपर पंजाब का बहुत ज़्यादा मुतासर जिवें थी वे लाहौर की सूरत हाल है। लाहौर तकरीबन 3 कने 4 फुट ते जो 100 मिलीमीटर जो है ना महकमा मौसमिया ने आख्या कि हूँ तक बारिश थी चुकी है जो कि लाहौर वास्ते बहुत ज़्यादा है। ते बड़े नशेबी इलाके जड़े हैं जेरे आब आ गए ठीक उन तो है इलावा बाकी चिन्योड़ जंग थी गया फैसलाबाद थी गए ये जो इलाके में भी असल बहुत ज़्यादा सीएम जो वधे भी हैं लाहौर में पूरा करेंगे एक मार्च वगैरह और एधे वजन थे मतलब कल की जो सिचुएशन नजर आई है थी पानी दे लोगों को कठिंदे भी वधे आन थे। देखो हुकूमत इकदाम करने चाहे कोई भी हुकूमत होवे हाँ उन्हें शहरियों वास्ते ही आंदी है तो शहरियों वास्ते ही सारे इकदाम किए हुए बिल्कुल हैं बिल्कुल ते कोई नवी गाल नहीं पहले भी इंतजाम जरूर होंगे हैं हुन थोड़ा जे है कि लोगों को पता लगता है कि भाई हुन अवेयरनेस आ गई है। ठीक मैं एक गाल करे सा कि इतना अगर अवेयरनेस लोगों में दीती है तो यही तरीके इंसाफ देती है ठीक उन लोगों को दसिया है कि हाँ भाई तुसा अपना हक किवें गिनना है तो किन्दे किन्दे किन्हें किड़े किड़े दयाना तरीके नाल गिनना है। बिल्कुल हालांकि ऊँ ही सारे को दसिया कि भाई एहतजाज करना है ऊँ ही दसिया कि भाई इवें गिनना इवें हूँ उन्होंने उत्ते भी थींदे पैन हाँ ठीक है ना मगर मैं आखना कि उन्होंने को बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि ये जाना वो दिन हर अमल दा रद्द अमल अच्छा इन्हें जाना तो भी अगर तनकीद है बाजे मीडिया होते तो सर नोट भी किया हो सी कल दे बड़े शो चलते देखो पे थे तनकीद तो हर कि हुकूमत ते सीट थींदी बेल्ट आंदी है होना चाहिए है फलां होना चाहिए सीम सेम ते भी तनकीद थी पई और गाले थी पई है कि ठीक है लेकिन अच्छे काम की तारीफ ही होनी नहीं चाहिए नहीं यार बिल्कुल अच्छा जितना काम अच्छा काम कोई थी भी बिल्कुल जितने करे सबको नजर आने थे उतना तारीफ ही करनी चाहिए असा सिर्फ तनकीद ही करेंगे रहना। अज मैं यही गाल कर रही थी क्यों नहीं खुश रहा ऐसा या खुश नहीं रहा देखें कहीं को सब तनकीद जरूर करने हैं आदत में शामिल थी के सारे यानी नहीं अच्छे काम की तारीफ नहीं नहीं करनी अच्छे काम तनकीद की जरूर तारीफ करनी लोग जो है ना करना भूल गए है ना। हाँ हाँ बूं घटती गया वो आखते हैं कि बस असल में साढ़े जरा मुल्क है पिया उन हालात यो जो रह गए कि लोग जो है ना बस तनकीद दर तनकीद जो है ना वो हो गए। हालांकि बड़े सारे बहुत अच्छे पिछली हुकूमतों ने हुन भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आते पे बहुत अच्छा चीज़ आंदियाँ पैन ते उन्ना को जो है ना एप्रीशिएट करना चाहिए उन्ना दे इकदाम को करना चाहिए क्योंकि फ़ायदा देखो कुछ भी होवे आवाम को है बिल्कुल ठीक है ना आवाम को फ़ायदा है तो ई मुल्क को भी उन फायदा है ई पर जो है ना इसलाह तनकीद भाई अगर इसलाह होवे तो बहुत अच्छा जो बिल्कुल है ना है जबरदस्त। पे अच्छा मैं अपना चल सा के कुछ टाइम रह गई थी अब पंजीरी रह गए तकरीबन ईद को इवें ही हैं तकरीबन महीना रह गया उसी। अच्छा थोड़ा बकर मंडी की सूरत हाल भी जानना चाहो क्या है और क्या कांगो वायरस वाल दोबारा आवन का खतरा है कुछ इंतजाम हैं क्या नजर आना पे तो रिपोर्ट आजकल बड़े नहीं बने लेते हुने रहते। तक बाकी जगह पे तो मंडियां सज गई हैं मगर हाँ हुने तक मुल्तान विच जो है ना मंडियां कह नहीं लाई गईयां इंतजामिया क्योंकि इतना जेडे पहले जिथा मंडी लगती आन उतना हुन निश्चर टू का मंसूबा जो है ना वो शुरू थींदा पे जिंदे वास्ते 3 अरब रुपया जो है पिया मुख्तस किया गया तो उन्दे तकरीबन प्लान शुरू है बस फंड जिमें रिलीज थी सी फंड आ गए जिमें रिलीज थी सी काम शुरू थी वह थी तो मंडी की जगह जो है तब्दील की हूँ नवी मंडी जगह जड़ा है जितना लाई गई उतों हूँ कम फिलहाल थींदा पे है सही वो थी सी उन तो बाद अनाउंस करे सन कि कितनी मंडियां लाई जाती हैं उन तो इलावा अगर कांगो की गाल करूँ तो कांगो जहरी गाल है कि लाजमी आंदा है ये हूँ हर ईद के उत्ते ना बल्कि सारा साल रहा है मगर ईद के उत्ते जरा ना खतरा इंदा ज़्यादा वाद रहा है क्योंकि दूजे शहरों तो जानवर आंदे इलाके नकलो आते हमल दी उन्होंने कोई वजन देखभाल मुंतकी उतना नहीं उठेंगे। होंगी। हाँ देखो हकूमती सतह के उत्ते कांगो वास्ते वक्ती तौर पर तो प्रोजेक्ट बहुत सारे देखो तुसा अगर ईद आसी तो लोग मुतहरक थी सन टीमा मुतहरक थी सन स्प्रे कराओ ये कराओ वो कराओ मंडी में वनो तो ग्लव्स पाते हो मास्क पाता हो क्या कांगो जड़ा है सिर्फ उन्दे ही आंदा है
ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਾਂਗੋ ਸਿਰਫ ਈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਲ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਖੋ ਕਾਂਗੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਤਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਊਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਫਲਾਂ ਥੀ ਵੈਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ 3 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂਗੋ ਨਾਲ ਡੈਥ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਥੀ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਸੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਘਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟ ਘਟ ਥੇ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਘਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਈਦ ਤੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਤਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਲ ਰੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਥੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦੇ, ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਪਰੇ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗੋ ਥੀ ਵੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਢਾਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਟਾਈ ਥੀ ਵੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਕੋ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੀ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆ ਉਹ ਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 80% ਚਾਂਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀ ਵੰਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜਦੀਦ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਇਲਾਜ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਪਈਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੀ ਸੀ, 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਰਲ ਸ਼ੋ ਥੀਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਵੱਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਵਲਾ ਆ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਥੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦੇ ਸੇ ਵਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋ ਕੰਗ ਹੋਤੀ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਕੋ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਤ ਨਾਲ ਦਫਨਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਫਰਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗੋ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 80% ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੈਂਦੇ ਥੇ ਕਿ ਡੈਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਥੇ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਗਿਨੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਲੋਕ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੂਤਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣ ਗਿਣਦੇ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਤ ਆਉਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਾਡਰਨ ਬੈਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਂਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਦੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਰ ਕੌਣ ਇਤਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਫਰਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋ ਫਲਾਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਰਾਤ ਦਾ ਗੇਨ ਆਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦਫਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਦੇਖੋ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਏ, ਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਆਵਾਮ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ 1500 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗਲਤ ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚਲਦੀ ਗਲਤ ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ
ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਨ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 13.25 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੇਜ ਆਮਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਘਟਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਨਾ ਗਿਨ ਸਨ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੀ, FBI ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 40,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਗਿਣਸੀ ਨਾ ਉਹ FBR ਕਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਗਿਣਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FBR ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਥੀਂਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਆਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸੋ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਕੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਥੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਲ ਦੇ ਰਾਂਗੇ ਚੌਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੰਨ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁਕ ਬਾਈ ਲੁਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹਨ ਪੇ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਵੱਲ ਤੇ ਕਿਆ ਆਖਣ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਥੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨਲ ਹਿੰਨ ਸਦੀਕਾ ਖਾਨ ਸਿੰਗਰ ਹਿੰਨ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਅਕਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਇਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਬ ਬੰਦੀ ਬਤਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਆਧੇ ਵੈਸੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਥੀ ਨੇ ਲੁਬਾਈ ਲੁਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੁਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੀ ਉਹਨੇ ਬਲਾਈ ਡੋ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਥੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਥੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਆ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੇ ਵੀ ਵਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਇਸ ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਤਾਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਕਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅੱਛੀ ਥੀ ਤੇ ਯਾਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਪੇ ਜੋ ਲਗਾਈ ਥੀ ਜੋ ਬੇਸ ਥੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕੂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹੋ ਖੁਰਦੇ ਹੋ ਜਲਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਾਵਣੇ ਥੀ ਆ ਤੇ ਵਲ ਇਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੀ ਵੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਡ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਡ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਕੋ ਥੈਂਕਸ ਕਰੇ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਪਣਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਵੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਫਲਾਂ ਹੈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਥੀ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ
अगर हम कोई बदलाव ला सकते हैं, कोई तब्दीली ला सकते हैं, कोई चेंज ला सकते हैं, अच्छा चेंज, तो फिर वो हमें करना चाहिए. सबसे पहले हमें कोई भी चीज है तो हमें खुद पे अटेम्प्ट करनी चाहिए. हम करेंगे तो शायद हमारे हमें देखने से ही है, कुछ हमारे किसी एक्ट से किसी को कुछ अच्छा लग जाए तो वो उस चीज में ढल जाए. सभी का एज ए सिंगर अगर गल करने हैं तो इवन थिंदे इस फील्ड में बहुत ज्यादा जेलसी पाई वेंदी है, बहुत सारे दोस्त होने, बहुत सारे उहे तो सारे मुंह ते दोस्त होने, मुंह पे सब दोस्त होते, सब दोस्त होते हैं, लेकिन वल पता चल दे कंड पिछू या पीठ पिछू वल वही लोग बुराई करने नजर आने, सारे तनकीद या नुक्स कढ़ने नजर आने, तो यार एवं बस एवं बन के गया, यानी इतना ते गाने सुन को मिलते. हाँ क्यों नहीं, मुंह पे कुछ होते हैं, बैक बाइटिंग्स भी हो रही होती हैं. हाँ. तो बट मैंने कभी किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया. हाँ, मैं सबको कहती हूँ थैंक यू. हाँ, जिसको जैसा लगा उसने वैसा कर दिया. एक्चुअली हाँ, आपकी सब सब चीजें आपके ना ऐसा माइंड में यहाँ पे होती हैं, है ना. हाँ, अच्छाई बुराई सब कुछ आपके यहाँ पे चल रही होती है. तो मैं समझती हूँ जिसका जितना जर्फ होता है ना वो उतनी बात करता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. और मैंने कभी भी किसी को, अगर किसी ने भी तारीफ की है तो थैंक यू, नहीं भी करते तो उनका भी शुक्रिया. सही. बट ये है कि आपको अपना काम अच्छा करना चाहिए. बट मेरा टोटली जो फोकस होता है मेरा मेरे काम पे होता है. सही. बस अच्छा, एनी टाइम वेस्ट करना है कि दूजे ने तरह तनकीद की थी और तो सचेंदे रास हो यार क्यों की मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा किया भी नहीं. नहीं, समटाइम होता है ऐसा, समटाइम होता भी है, समटाइम थोड़े से ना हर्ट हो जाते हो कि नहीं मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरी इंटेंशंस ऐसी थी ही नहीं, और फिर भी ऐसा, तो शायद फिर चुप हो जाती हूँ कि शायद शायद जिसको जैसा अच्छा लगा उसने वैसे कह दिया. जुनैद, इन्हें तो काम तनकीद करना है. ओह गॉड, अगर ये वाला को आका तो इन्हें पहले कहा है कि जिसका जो चीजें ठीक होती हैं उसको हम जो है ना उसी तरीके से भी करते हैं, हर चीज को तनकीद से, लेकिन देखते हैं ओवरऑल में नोट कीते नहीं. अगर हम तनकीद या हम इस चीज से ना देखें तो हमारी न्यूज नहीं निकलती है ना, मजबूरी. ठीक है ना, वो कहते हैं कि हमारी सोच जो है ना वो इस तरीके से हो जाती है, तो जारी बात है हमें. अच्छा काम ही हुए तो वाले से लोग कोई ना कोई नेगेटिव पहलू घेट के आने न्यूज वाले के, यार ये कर लेता तो ये चीज क्यों नहीं. नहीं, 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 ऐसा नहीं होता. ठीक है, 24 घंटे नेगेटिव ही नहीं सोचते, अच्छी चीजों को भी जो है ना अप्रिशिएट करते हैं और हाईलाइट करते हैं. बल्कि हम खुद कह रहे होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट को, यार अगर आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमें बताएं भाई आप क्या अच्छा कर रहे हैं. आप कहते हैं सारा दिन हम अच्छा काम करते हैं, तो कहाँ है वो, हमें तो दिखाएं ना अभी, ताकि हम जो है वो करें. तो उनका गिला यही होता है कि आप नेगेटिव ही दिखाते रहते हैं. हाँ. क्योंकि मैं कहता हूँ कि चैनल्स और मीडिया की रिक्वायरमेंट जो है ना वो नेगेटिव ज्यादा है. क्योंकि वो जब तक वो किसी भी न्यूज में मिर्च मसाला नहीं होगा ना, वो फिर ऊपर जो बैठे वाले रेटिंग का चक्कर होंगे. नहीं, अब रेटिंग का चक्कर नहीं रहेगा, अब कोई रेटिंग का चक्कर नहीं. लेकिन ये सॉरी, मैं बात काट रही हूँ, मिर्च मसाले की आपने बात की, तो ये तो आप अगले बंदे की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना फिर इस तरीके से, अपने मिर्च मसाले के लिए. हम किसी एक बंदे की तो बात नहीं करते ना, किसी एक बंदे की ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, एक बंदे की शख्सियत के ऊपर नहीं बात करते. ठीक है, हम ओवरऑल कोई न्यूज है कोई खबर है जब तक मिर्च मसाला लहसुन अगर सोचो खाने मिसाल ना हो तो वाकई फिक्का खाना कौन खा दे बीमार वाला खाना, इन्हें ही बीमार वाली न्यूज कोई नहीं सुन सकता. यानी ये मजबूरी है अपने काम को, मैं आती है हर बंदा करेंदा पे वो हमारे न्यूज के स्क्रिप्ट में जान जो है ना वो यही चीजें डालती है. बिल्कुल, अगर वो नहीं है तो फिर जो है ना वो कहते हैं जिंदगी में भी ये चीजें जरूरी है. पे अगर साथ है थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा मिठास, ये चीजें मिक्स ना हो सकते, खट्टा मीठा ना हो सकता, जिंदगी भी फिक्की थी वैसी तो जारी बात है, ऐसा ही है. न्यूज वाले की अगर जिंदगी देखो तो खट्टी है या मिट्टी है, नॉन स्पाइसी है ना, मौके की मुनासिबत से हमारा सिलसिला चलता है. नहीं, आजकल तो बड़े माशाल्लाह अंबा के बाग विच वेंदे पेंदे, थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज करने पेंदे, क्योंकि जेडे न्यूज नाल जुड़े लोगों ने इन्हें को बस सिर्फ न्यूज का ही पता होंदे, काम का ही पता होंदे. थी मैं आदे फिक्की लाइफ थी वेंदे बाद टाइम मैं दे आदी हां, ते जरूरी है कि इन लाइफ में थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए, रंग होना चाहिए. थी चटखारा भी तो घर वालों के साथ ही हो सकता है, सुकून से जो है ना घर वालों को जिस दिन हम टाइम दे लेते हैं हम कहते हैं आज हमारा जो है ना दिन अच्छा गुजर गया. क्योंकि न्यूज घर वाले हमारे से तंग आए हुए थे. हाँ. कि यहाँ से जाने के बाद अगर फिर भी हम मोबाइल उठा के न्यूज की बात कर रहे हैं तो वो कई तरह घूर के देख रहे होते हैं कि बस चीजें उठे. तो ये चीजें तो चलती हैं, अब जारी बात है हमारी नेचर ही ऐसी है जॉब की, तो फिर किया जा सकता है. ठीक है, यानी थोड़ा या चेंज घन के आना जिंदगी जरूरी है. वाकई ने फिक्की लाइफ थी, किस स्टाइल दी, किस तरीके नाल, मैं तो आधे बाद टाइम ब्रेक चेंज अच्छा होता है, है ना, चेंज लाइफ के लिए अच्छा होता है. हाँ, अब काफी सारी चीजों से इजी हो जाते हैं, काफी
टेंशंस भी होती हैं आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होती हैं अपनी 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 सिचुएशन के हिसाब से, तो आप थोड़ा सा ना यानी अपने अपनी सिचुएशन और अपनी अपनी सोच नेम काउंट करनी पड़ेगी सारी सोच। यही तो मैंने पहले बात की ना कि सब कुछ आपके यहाँ पे होता है, आपके माइंड में जरा खलल है ना, इतना चाहे तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाए, चाहे तो आप उसको नेगेटिव वे में ले जाए, है ना, डिपेंड सब कुछ यहीं पे डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा कुछ सुना दो यार लाइफ ही, कुछ खूबसूरत सा गाना सुना दो, ये खलल थोड़ा निकल बने। मैं आज मैंने सोचा था फरीदा खानम साहिबा की, वो आपने गाना सुना होगा आज जाने की जिद ना करो, वो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा इसको स्टार्ट में गुनगुनाऊंगी मैं। हाँ जरूर, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जा किसी दिन ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने किसी दिन ना करो। थैंक यू, वाह जी वाह, जबरदस्त जुनैद, यकीनन एंजॉय की तो सी है ना, थोड़े खबरां तो हट के खूबसूरत आवाज विच। नहीं नहीं बिल्कुल तेरी बात है, और माशाल्लाह आवाज भी बहुत अच्छी, जबरदस्त है, जबरदस्त इंतखाब भी बहुत अच्छा, सभी का जो तेरा वॉल्यूम है पिच है बड़ी धीमी है ना, और धीमे ही गाने तो यकीनन सूट करते हो संत है, शुरू धीमे है पिच यानी कि अंदाज जड़ा है तेरा नेचुरल है पिया, या आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी पॉलिश करने की जरूरत पे, ऐसा ही है शुरू से ऐसा ही है, हाँ, धीमा लहजा, हाँ। धीमा अंदाज और उच्ची पेच में गाल गाना कर रहा, चीख चीख के गाल कभी कभी चीख घर में पड़ी जाता है वो तो एक रूटीन वर्क हो जाता है। अच्छा उंगली आवाज निकल दी, बड़ी निकलती है जब बंदे को गुस्सा होता है, वाकई दूसरे घर तक जाता है, मेरी फ्रेंड वहां से बोलती क्या होता है भी ठीक हो, मैं कहा अभी चुप अभी कोई ना बोले। अच्छा क्या हो दे अंदाजे लाते, चुप अभी चुप हो जाओ कोई ना बोले, बहुत सारे ऐसे जो ये चीजें आपके बिल्कुल भी मुखालिफ चल रही हो ना, जो आपको आपकी पसंद के अगेंस्ट चल रही हो, तो वो फिर आप उस पे ऑटोमेटिकली थी वो ऐसे जैसे कुछ जिन आ और वही जड़ी लाइट अलाउंड आले हैं सभी का, वाल जिन आवे जिन आवे दे थे ये कभी कभी जरूरी होता है एक्चुअली, वो जरूरी नहीं है डेली नहीं, डेली नहीं, कभी कभी वही आपने कहा ना कभी कभी जरूरी होता है, तो फिर जब कभी कभी ऐसा जब हम शाउट करते हैं या कुछ ऐसा गुस्सा करते हैं, तो कभी कभी हमें खुद भी अच्छा लग रहा होता है कि यार ये भी है, अच्छा इसका भी वजूद है एक्चुअली हमारे अंदर, ये भी फीलिंग्स है, तो वो थोड़ा हटके हो जाता है, तो वो होना चाहिए जरूरी है ऐसा साथ, एक ही जगह पे चलते चलते ना, तो फिर कोई आपको जीने भी नहीं देता ना, मसला भी ये थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है, थोड़ा बोर भी थी तुसा हिक्की रूटीन में हिक्की अंदाज में, और वाकई और वाकई को एहसास दे अच्छा मैं भी जीनी जागनी बंदी, हाँ भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, अब हर चीज तो नहीं ना कि अच्छा ठीक है अच्छा ऐसे करते हैं अच्छा सही है अच्छा यही ठीक है, नो कभी कभी होता है कभी कभी, लेकिन वो ये नहीं कि हर बात पे हो जाए, नो काफी सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद जब एक बड़ा पैकेट बन जाता है ना अंदर सबर का, और ये भी नहीं हुआ था तब फिर ये भी नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं हुआ, वो फिर एक दफा फटता है,
हर बात पे नहीं लावा फटती है, एक दफा फटती है। हाँ, वो लावा फिर एक दफा फटता है साल में, 6 महीने में, डिपेंड्स, 3 महीने बाद, डिपेंड 3 महीने लग जाते हैं, कम से कम, है ना, अब लग जाते हैं, है ना, लग जाते हैं। अच्छा, शुरू बहुत से अग्रेसिव होने हैं जो टीनेजर्स होने हैं या बहुत ज्यादा यंग साग सकते हैं, थोड़ा मैच्योर थी ना वाला सा आपड़ा, तो थोड़ा कंट्रोल करके में है, अच्छा आ जाती है यार, हर वक्त गुस्सा या चीखना चाहिए या कंट्रोल करके ऐसा, और बहुत सारी चीजें जो है ना खत्म कर लेना यार, नहीं इस पे नहीं चीखना चाहिए, हाँ, यार इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसे ही इग्नोर इग्नोर इग्नोर, लेकिन उन्हें भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है, जैसे इग्नोर कर सकते, बिकॉज हमने अपने बड़ों से हमेशा यही देखा जब से हो संभाला के बेटा इग्नोर करते होते हैं, हर छोटी छोटी बात को नहीं पकड़ के बैठ जाते होते हैं ऐसे, तो वो फिर चीजें अब जाके समझ आ रही, उस वक्त नहीं आती थी जब छोटे थे ना, तब नहीं आती थी, तब हम वो समझा भी रहे होते तब भी हम उसी निकलते वेंदे पे आने, हम उसी जिद पे होते थे, लेकिन अब समझ आती है कि क्यों कहते थे, इसके पीछे वजह क्या थी, रीजन क्या था, तो अब समझ आती है। जुनेद, इग्नोर या नहीं, लावा निकल दे निकल दे निकल दे, हमारे अंदर बर्दाश्त का हमारा ज्यादा होता है, वो इसलिए कि हम न्यूज के लिए जब बाहर खड़े होते हैं ना, लोगों की जो बातें सुन रहे होते हैं ना, वो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है क्योंकि वो लोग जो बुलाने वाले होते हैं, जहाँ पे हम खड़े होते हैं ना, वो हमारे ऊपर भी तनकीद कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा कैसे बोल रहे हैं, बोलने पे नहीं करते, वैसे देखो ये उनको फेवर कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, हालांकि गए हम जो है ना, जो चीज नेचुरल है या जो चीज हकीकत में है वो हमने दिखाई है। ब्लूपर असर रिटेन लोगों ने न्यूज तो सब रिटेन सोशल मीडिया ध्यान पे और सबद इंतहा है, पूरा बोल के जल ऐसा हट रहे हैं न्यूज डेस्क के, और वाल एक बंदा एक बच्चा लगदा पे और वाल जरा छो ऐसी हो जाता है, कई दफा होता है कि भाई जो है ना पूरा बिपर मुकम्मल हर चीज हो रही होती है और आगे से कोई गुजर जाए ना, थैंक यू जुनैद, बहुत शुक्रिया तशरीफ देने के, बहुत ही अच्छा लगा था ना गुफ्तगू करके, लेकिन टाइम बहुत घट है, मूड था लेकिन बिजी है, और मैं पता है जब बैठे ब्रेक फोन आता हमारा यही होता है, और इन सब को टाइम लेते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलते छोटी ब्रेक के बाद वापस सासू सन अलहक हुसैन भाई सिंगर के थे नवे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद, वापस आ गए सभी का, और ब्रेक के बाद सब वापस आए, और मैं तो कुछ आ चुकी हूँ, उसके एक नवी गेस्ट हाउस और बिल्कुल सिंगर हैं पे, और मेरे नारी नदी पहली मुलाकात थी, गपशप थी सी और सॉन्ग भी सुन सूँ, और वाला अंदाजा थी सी कि वाकई, वैसे मैं थोड़ा टेस्ट करते ही नदी आवाज़ सुनी है, बड़ी प्यारी आवाज़ थी, मालिक हैं अनिला अवान हैं सनल, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, और जी आया को, शुक्रिया जी, बहुत क्या हाल है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ जी अनिला, क्या चल रहा है आजकल, कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है? हाँ जी, बस यही है, काम ही चल रहा है। हाँ, मैंने बहुत पार्टिसिपेशन की इन चीजों में। अच्छा, हाँ, शुरू से किसी कंपटीशन को छोड़ा नहीं कभी किया है, कॉलेज मतलब कॉलेज उसमें आप ये देखें, कोई इकबाल डे है, कोई काइट डे है, इवन के आप मिलाद भी हो रहे हैं ना, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर कर रही हूँ, ठीक है, कि करना है तो करना है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन अब दोबारा माशाल्लाह की है। अच्छा, गुड गुड गुड, यानी कि अभी मैं सवाल पूछा करूँ या ना पूछा करूँ? अच्छा, आज मैं ये वादी पाई हम कभी टिपिकल क्वेश्चन को हट की तरह सुन, लेकिन कुछ चीजें रिलेट करने थे बंदे थे, शौक रिलेट करने थे, कि करण को शौक थिया, मैं ये नहीं आ सकती, मैं बचपन को या इवें ही हम, मैं बहुत अच्छी स्पीकर हम, मैं बोल सकती हूँ, मैं बड़ी शर्मीली बच्ची हम, मैं बहुत शर्मीली हम, मेरी आवाज़ घुट वेंदी, कोई सवाल करे तो मेरी आवाज़ तक बैठे निकल दी, और आज मैं फर फर टर टर बोलेंदी बैठी हूँ, अपने अंदाज ना करेंदी बैठी हूँ, तो मैं टाइमिंग अपने आप को पॉलिश किया, हाँ। मैं टाइमिंग, हाँ ये आदत मेरी है, एक आदत शुरू दी है, मैं अपने आप बुलेंदी हाँ,
यानी कि मैं कल्ला खेल भी खेलनी हम मेरे को जरूरत ना पौंदी मेरे इर्द गिर्द बच्चे ना होने मेरे भाई जड़े हैं त्रै भाई हैं वो छोटे हैं बहन सिस्टर वे हैं वो अम्मी ना ज्यादा फ्रेंडली हैं मैं कल ही बच पी हम थे और अस रहे सऊदी अरब कल ही फैमिली हाँ से तो मेरे को आदत है अलावा की और वाल ये मेरी थ्रू आउट कॉलेज तक चलती रह गई ता मैं कली रह गई सिस्टर की शादी पहले थी और वाल मैं शीशे च बुलेंदी हाँ अपने आप से बातें हाँ हाँ यानी ये आदत तो होंदी है बाज़े टाइम बचपन विच मतलब होंदे जिर पर बाद पर चलते से कुछ करते आई थिंक अगर आप अकेले रहे हो ना तो उस फिर ये चीज डेवलप होती है अगर आप ज्यादा माशाल्लाह हम काफी ज्यादा सिस्टर्स हैं हम माशाल्लाह छह बहन हैं और एक भाई है जबरदस्त तो वो हमें ना किसी बाहर की फ्रेंड्स की ज्यादा जरूरत घर में ही तो इन चीजों से फिर अकेलापन और ये चीज नहीं अच्छा झेड़े भी लड़ाइयां भी आपस में बहुत लेकिन सिर्फ जबानी और थोड़ी देर के लिए बस ना कोई माफी का चक्कर है कि इसने माफी मांगनी है थोड़ी देर नाराज है हाँ बस फिर खुद ही ठीक हो गए वो माफी दिलाफी के लिए वो पेरेंट्स होते हैं ना बीच में बेटा ऐसे नहीं करते वो बड़ी बहन है ये छोटा भाई है व्हाटएवर इतना लाड करती नहीं है ना बेटा शेटा ये बस जिसका कसूर है उसको कह के बस मेरी अम्मी चित्रोल भी लगे कहीं थी वजन कहीं को मैंने खाई है ना मैं कहती हूँ हम सात बहन भाइयों में ना शायद अपनी जिद की वजह से होता है ना एक दूसरे बीच में ऐसा तो मैंने बचपन से ही मैं वो कहते जैसे होती थी ना अम्मियों की आदत की आप गुजरते गुजरते भी लगा देनी तो मैं वो गुजरते गुजरते भी डरती होती थी कि अब लगनी तो है आधी बाढ़ मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक था आयशा तो मैं मीन्स के ऐसे हमारे थ्री जिसे कहते हैं ना थ्री पोर्शन का घर होता तीन मंजिलों का घर तो बीच वाला जो बीच वाली एक मंजिल थी ना वहाँ पे बड़े वाले रूम में तो वो जब नीचे सारे मैंने देखना ना कि अम्मी कहीं और लग गई बातों में ताई अम्मी आ गई कोई भी हो गया मैं ऊपर जाके वो बड़ा सारा शीशा लगा होता था ना तो वो हेयर ब्रश उठा के उसकी बैक साइड और मैं सिंगर बनी हुई अच्छा सब कोशिश सब करें आवाज और मेरी माँ को मेरी मम्मा को मैं नजर ही नहीं आई जब तीन चार घंटे तो मेरी मम्मा ने कह रहा ये ऊपर ही होगी ये ऊपर ही कोई प्रोग्राम चल रहा है ये ऊपर ही और ऊपर से मेरी बड़ी सिस्टर जो सबसे बड़ी सिस्टर जाहिर हमारी मदर की जैसी है वो मुझे वहीं से कुटती हुई लेकर नीचे आती थी ना मुझे रोटी का होश ना पानी का होश कुछ भी होश नहीं होता था मीन्स एक आपके अंदर जो एक गर्मी है लेकिन ओके चल रहा पे अच्छा अनिला वाले चल सो अनिला कोई गीत सुना दो सब आज वैसे ट्राई है मेरी हाँ हाँ तो कह रही पंजाबी करते हैं वैसे ठीक ठीक है प्यार नालो प्यार सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना प्यार मैं किवें ना करा प्यार मैं किवें ना करा अखियां सामने तू दिल दे विच भी तू भुलिया ते तेरा नाम करी ना किनार सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना जबरदस्त जबरदस्त बहुत खूब अच्छा इरद की आवाज भी उवें ही है जो तारी बहु लाइट है मध्यम है सुरीली तो सहो मान गया भाई सुरीली तो सहो थोड़ा से उठे भी है ना इसलिए थोड़े से बच्चे हैं साढ़े चार बजे तक हम लोग की रिकॉर्डिंग चलती है और इवन की मैं इसने मुझे जब मुझे कॉल किया ना मैं इसे कह रही हूँ मैंने कहा अच्छा उठो 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 देर हो ये उस वक्त तक फोन नहीं बंद कर रही है कहती नहीं जब तुम उठोगी तब मैंने फोन बंद कर फिर इसने मुझे चार साढ़े चार बजे मैं सोई हूँ और सात बजे एग्जैक्ट इसकी मुझे अच्छा तो सर लोग आपस में सहेलियाँ हाँ बहुत अच्छी कितने अरसे तो मतलब हो दस साल से माशाल्लाह माशाल्लाह यानी एक दूसरे को जानती है अच्छा वैसे प्रोफेशनल थी आपस में दोस्ती में घाट होगी मैंने अभी आपको बात की ना भी हम ऐसे नहीं है मैंने अभी शुरू में आपको ये बात बताई कि हम ऐसे नहीं है मैं मुझे जहाँ लगता है हम एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं मुझे जहाँ लगता है कि अनिला की जगह बन सकती है तो मैं डेफिनेटली इसको मैं प्रेफर करती हूँ जहाँ इसको लगे ये मुझे करती है ठीक है और इसके हम दोनों के अलावा भी हमें जहाँ कोई और कोई मेल सिंगर है या हमारे कोई और कोलीग्स हैं या कोई अगर कोलीग नहीं भी है कोई न्यू है तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं वाह ये हमारे अंदर है भाई जबरदस्त भाई जबरदस्त और इधर नाल ही नाजरे से चल रहे हैं छोटी नहीं ब्रेक दे बाद वापस आसो वाल जान चुके आपस से सहेले के बिल्कुल कितना जान रहे थे ब्रेक दे बाद कल
इस हाल में बरसों मौत ना आए तेरी याद जो आई है लंबी जुदाई चार दिन लंबी जुदाई लंबी जुदाई। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। और मैं पता नहीं कहाँ खो गई, लंबी जुदाई मैं आपको मजबूर कर दिया, इसलिए तो मैं आपकी तरफ से काशी वापस आ गए मजबूर किया ना जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह 10 साल थे कि नहीं दोस्ती को, और माशाल्लाह दोस्ती कायम दायम है। और मैं भी याद करने बैठी हूँ अपने तमाम दोस्तों को ब्रेकेज कि यार वाकई ऐसा अपने काम दे ना इतने मतलब मैं दे लॉयल थी उन्हें कि अपने दोस्तों को भूल रहे हैं जबकि उन्हें दोस्तों की सबको पूरी जिंदगी में आधे जरूरत पड़ी रही थे। अच्छा मैं देख सकता हूँ आपस में बनती कितनी है लड़ाई की गाल तो थोड़ी जानना चाहता लड़ाई की गाल अच्छा लड़ाई मेरी कभी नहीं हुई। अच्छा वहाँ नहीं, 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 नहीं सुबह सुबह गुस्से तो होके आए हो यार, जब इसने कहा मैं सो रही हूँ लड़ाई नहीं कर रही थी ना, लड़ाई नहीं थी, मैंने फोन ऑफ कर दी थी तो इसने फिर सो जाना था। मैं कहा उठो उठो फोन लगा हुआ है, उठो हाँ जा रही हूँ, फिर बाद में कहती इतना तो हक है कि मैं मुंह धो लूं। अच्छा किस बात पे मुत्तफिक होती है आपस में, ज्यादातर इत्तेफाक होता है कि ये सही है? नहीं हम डिस्कस करते हैं अपने काम पे, हम डिस्कस करते हैं जो भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम मशवरा करते हैं बहुत ही डीपली, हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके गलत हाँ उसके हम नेगेटिव और पॉजिटिव वे से हम उसको देखते हैं। अगर हमें लगता है कि ये इसमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी है और हमारे लिए ये अच्छी है तो हम करते हैं और वो हमारी दोनों की बात बहुत अच्छी होती है मीन्स के डिस्कशन के बाद। इख्तिलाफ आप में से कौन पहले करता? कोई भी नहीं करता, दोनों नहीं करते हाँ, बिकॉज डिस्कशन हो जाती है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना हाँ, एक चीज डिस्कशन से जब आपको पता है काफी मसले हल हो जाते हैं तो बस पहले हम उस दोनों में से तेज कौन है वो आपको आइडिया हो गया होगा, आयशा बताएगी वो तो आपका आइडिया होगा, आयशा बताएगी आयशा दोनों में से तेज आयशा बताओ आयशा मेरे दोनों को लगते हैं कुड़िया तेज है भाई हम अपने एक्चुअली हम अपने काम के बारे में बहुत सिंसियर हैं आयशा, उसके मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं एक्चुअली करते ना, हम किसी की फजूल बात सुनते हैं ना हम करते हैं, लेकिन अपने काम को हम ना गुस्सा किस बात पे आता है तुम्हें, कौन सी बात है जी मतलब बुरी लगती पी होंगी? मैं उस तरह की बची साफ जबान है अच्छा हाँ, ये कभी कभी मीन्स की इसको जिस बात पे मैं कहा होता है ना नीला कलिया करना है हाँ 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 करेंगे करेंगे, फिर जब इसको कॉल करते हैं हाँ भाई टाइम हो गया मैं तो फ्लास जगह पे गई हुई हूँ मिस कमिटमेंट गलत है गलत मिस कमिटमेंट मिस कमिटमेंट नहीं नहीं बहुत दफा हुआ बहुत दफा आयशा बहुत दफा हुआ है अच्छा बहुत दफा मैं आज गाँव में हूँ मैं अम्मी के साथ हूँ मैं फ्लास यानी कि प्रोग्राम बना के ये तुम्हें पता है कि जाना यार अच्छा अच्छा कल आज भी सुबह भी इसने यही कहा अच्छा तू चली जा कल कर लेंगे प्रोग्राम बना के फिर कैंसिल और इधर 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 क्या चलता है ये क्या नहीं चलता कह दे ये क्या करती है इसका बताओ ना मुझे क्या करती है इस ये मुझे कह रही है ना हाँ मेजोरिटी फील्ड में पूछ लो आप हाँ किसी से हाँ जी कहेंगे इतनी टिल्ली हमने नहीं देखी चलो टिल्ली कह रहा मिस कमिटमेंट तो नहीं कही ना टिल्ली तो टिल्ली की बात हो गई ना लेकिन उसको ये कान को इधर से पकड़ रही है मैं अच्छा सीधी लैंग्वेज में बात जी, 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 ये कहेगी यूं ही कहेगी कि अच्छा हाँ हाँ करेंगे करते हैं कुछ करते हैं इसी चक्कर में आप एक माह गुजर जाएगा। आयशा अब तक जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं हाँ। इससे पूछे इन्होंने कॉल की या मैंने की बस इतना पूछ लें मैं लड़ाई नहीं करा रही उठो नहीं नहीं लड़ाई नहीं मुझे उससे बहुत प्यार है उससे मुझसे भी बहुत प्यार है मीन्स जिससे जिसकी आप केयर करते हो ना आयशा जिसकी आप केयर करते हो जिससे आपको प्यार होता है ना तो आप चाहते हैं वो काम कर दिया जो आयशा के लिए क्लैप होनी चाहिए शर्मिंदा ना करो तारीफ हो रही है तारीफ हो रही है अच्छा ये कुछ भी कर ले हम तो फिर एक ही है हाँ, मसला नहीं है अच्छा ठीक है वाकई कुछ भी करगे में कोई हाँ, आदमी जितनी भा लागने जितनी तीली लागने ऐसा ही हाँ, थोड़ी अच्छा, जल्दी जलेगी बस नाराज ज्यादा कौन थी की को आदत है बहुत जल्दी मुंह फुला के नाराज थी वरना सच्ची सच्ची ये तुम्हारी आदत है वो कह रही है तो फिर सही कह रही होगी बट है ना
वैसे कब बहुत दफा फिर मनाता कौन है पहले? यानी खुद सीधी हो जाती है या वाकई मनावना होगी फिर कॉल कर लेगी? नहीं मेरा ना बहुत कम टाइम का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम मैं यानी कि दिनों की नाराजगियों पे नहीं मैं जाती या मंथ्स की नाराजगियों पे नहीं जाती. विद इन 5 मिनट्स विद इन 2 or 3 मिनट्स बस उसके बाद मैं रिलैक्स, दो चार गिलास पानी पिए, नमाज पढ़ ली गुस्से में और बस फिर मैं रिलैक्स. गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है. अच्छा मेरा भी इवें हाल नहीं, मैं रहती हूँ नमाज पढ़ के दी, मैं तिलावत कुरान पाक करनी और टोटल रिलैक्स अच्छी तरह आंसू जो है ना टिप टिप वहा के सही बात बाद रिलैक्स है बाद हर चीज को भूल भाल नहीं चलते छोटी ब्रेक सारे नाराज. वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद. आपसे तक सवेल देना जब दोबारा और अनिला अवान वाले चलसा और इन्हें वाले इन्हें कुछ पूछा बल्कि कि अनिला अच्छा वल कोई उस्ताद ने कुछ सीखा प्रैक्टिस रियाज कि एक बकायदा अगर ऐसा गाल करें एक प्रोफेशन या एक गायकी को प्रोफेशन बढ़ाया कि मैं बढ़ाया कुछ ये दस्य सो सब. फर्स्टली तो आपको पता एक शौक होता है. हाँ बिल्कुल. दूसरा ये भी होना ज़रूरी है, आवाज़ भी होना चाहिए. बिल्कुल, हम जो है ना मैं हो गए ये हो गए हम इसके सहारे चल रहे हैं. प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है. जैसे एक होता है कि आप सीख रहे हो प्रॉपर, जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन शायद हमारे पास वो चीजें अवेल नहीं है या परमिशन का कुछ मसला होता है. हाँ. तो वो स्टार्ट में वो चलता रहा, तो अब ये है कि जहाँ से कुछ मिलता है सीखने को जरूर सीख ले. ठीक है, ठीक है, यानी सीखने से काम और चीज चलती चलता रहता है. हाँ, जहाँ से आपको कुछ आपको कहते हैं ना कोई एक लफ्ज भी सिखाए तो वो उस्ताद है. तो इस तरह तो आई थिंक मैं अब मतलब कर रही हूँ, एक सर मुनीर है वो करवाते हैं मतलब अच्छी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ. सेकंडली सिखाना कि आप कहीं से गलत हो रहे हो तो ठीक कर देना, लहर उतार चढ़ाव हर चीज वाइज. तो वो भी फिर उस्ताद हुए ना, वो भी सिखाना ही है. अच्छा गले का कितना ख्याल रखना पड़े रूटीन वाइज, किस किस चीजें जो अवॉइड करने पड़े और गुस्सा लग दे यार ये ना खाओ वो ना खाओ क्या है. मैंने अभी तक कुछ अल्लाह के शुक्र सब खा लेते हर चीज खाते हैं, कभी नहीं ऐसा किया. अल्लाह, अच्छा मैं सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हर जगह पे अवॉइड, मैं नहीं खट्टा हर जगह पे अवॉइड कि मैं नहीं खाऊंगा इन क्योंकि मैं डेली गाल करनी है ना और वाल जिल गला मेरा बंद थी वैसे मुश्किल थी वैसे ना बंदे को. नहीं हम खा लेती हैं लेकिन अब थोड़ा सा फील होता है कभी कभी, लेकिन ये कि उसमें फिर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं. बट जब हमने म्यूजिक सेशन अपना स्टार्ट किया था स्कूल के जमाने में या कॉलेज में तो देन तो अगर ये अभी प्रोग्राम होने वाला है तो उससे पहले हम दही बड़े खा रहे होते थे, गोलगप्पे खा रहे फुल स्पाइसी करके ना उसको खा रहे, खट्टा पानी भी पी रहे होते थे. हमारे टीचर्स ने बेटा क्या कर रहे हो बेटा गला बैठ जाएगा बेटा ऐसे हो जाएगा. नहीं नहीं टीचर कुछ नहीं होती. और माशाल्लाह उस वक्त हम लोग ऐसे थानसू तरीके से आते होते थे कि सारा काम हमारा अच्छा हो जाता था. बट अब नाउ अब जैसे जैसे आपकी एज भी बढ़ती है आपका एनवायरमेंट भी चेंज होता है आपका खाने पीने की रूटीन भी चेंज होती है, काफी सारी चीजें जब चेंजिंग्स आती हैं आपकी लाइफ में तो फिर ऑब्वियसली इस पे भी चेंज आता है. यानी उतना नहीं खाता था लेकिन हाँ उतना नहीं, लेकिन चस्का लेते हैं हम, चस्का लेते हैं. जुड़ा नजर आंदे ओ बॉयज वाले बंद या मर्द हजात वाले बंदे वाले ऐसा को नजर आंदे ज्यादा खट्टे चीजें खाना पसंद करें ना बच्चे खाते हैं. ये भी है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आप आवाज अच्छी करने के लिए पान यूज करते हो. जी बिल्कुल, गला साफ रहता है उससे. गला मुलठी खाली मुलठी खाली करारे कर लिए ये चीजें वो हमने नहीं की. हमने नहीं है इन चीजों आज तक नहीं किया ऐसा, जबकि हमें कहा गया था करें इसको ये करने के लिए ये करें हमें कहा गया था. इतना थोड़ा बहुत लेकिन हमने किया नहीं. इतना थोड़ा बहुत हम लोग गाते हैं ना मतलब वो अल्लाह की तरफ से है, हमें इसके लिए कोई एफर्ट नहीं इतनी करनी पड़ रही कि ये ना करो यू ना करो ये ना खाओ ये खाओ तो इससे आवाज अच्छी होगी. नहीं अब मुझे ना और खैर हमारी फैमिली में भी किसी ने नहीं कहा, वो तो उल्टा हमें डांटते थे ये क्या काम है ये क्या कर रहे हो कुछ नहीं. मीन्स की जैसे आप अगर प्रोफेशनली कोई आता है जैसे अब हम देखते हैं सिंगर्स को कि उनकी फैमिलीज उनको बहुत सपोर्ट करती हैं, अपने बच्चों का ख्याल भी रखते चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली के आ रहे हैं तो वो उनकी मदर उनका ख्याल रखते बेटा ये ना खाओ ये ना खाओ. हमें तो समझो कि पंजाबी में कहते छितर ही पहनते थे कि खबरदार है मुझे काम किया थे कोई नहीं गाड़ा गुणा थे ये वो दिसन जैसे बड़े करते हैं हमारे. देखा जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है ना, जो असल गायकी है हम तो कुछ भी क्योंकि हमने वो चीज नहीं की हुई. हम तो एक आप यही यार शौक को अगु शौक को अपने को एक वो कर रहे ठीक है. नहीं रहता देखो गीत सुनना चाहते तू तो मेरी जिंदगी है तू तो
मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए महताब उभरे, तू ही मेरा होश साथी तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और थैंक यू नीला, तुमने मेरे लिए गाया गाना, थैंक यू। अच्छा, ए तरह दे जड़े से गीत हैं पे जे मैडम दे हैं पे बहुत सारे हैं सर डजन जड़े हैं, वो थोड़ा मुश्किल थी दे ना को परफॉर्मेंस पे, थोड़ा डर रहे को फॉर वो पिच पे पहुंचना, उस सोर पे पहुंचना, कोशिश करना है, बस कोशिश होती है जस्ट। हां अच्छा, जैसे प्रैक्टिस भी दी उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है, जैसे एक आम गीत सुनने हैं जिसको रियाज आ सकते हैं, कितनी ज्यादा रियाज की जरूरत पड़ती है? बहुत ज्यादा। अगर आप वाकई अगर आप कहते हो कि आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी चीज को निभाते भी हैं तो उसके लिए भी प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। और ऐसे ये भी तो हमारी प्रैक्टिस है ना, हम उनको सुन सुन के गा लेते हैं, तो ये प्रैक्टिस आज तक यही हमारे कानों में यही चीज आती है, तो उससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, फिर हम वही कोशिश करते हैं कि वैसा निभाने की, तो ये भी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, हम सुन के उसके साथ थोड़ा बहुत गा के तो हम गा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगता है कोई भी अगर गीत डिसाइड कर दे हो कि मैं रियाज करने और मैं गाने थिया और याद की में बड़ी जल्दी थी ना तेजी? अच्छा नहीं, मैं समझती हूँ जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। ठीक है ना, मैं एक दिन में मैं पता नहीं कितने गाने लिख भी लेती हूँ, ऐसे 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 ऐसे। आप ये देखो मैं और याद करना चलते फिरते सुन रहे हैं, लगा हुआ है, ठीक है ना, होम थिएटर चल रहा है, लगा हुआ है और सुन रहे, काम भी हो रहा है, घर का भी हो रहा है, बाइक का भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा, सुन रहे, हो गया याद। मैं अब जाती हूँ जहाँ प्रैक्टिस करने सुर लगन अकेडमी में, इवन वो ये कहते हैं कि हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपको देखना नहीं पड़ता। हाँ, कि आपने बुक्स खोली हुई है या आपने पेपर खोला हुआ है कि आप देख देख के गा रहे हो, तो इससे बहुत चेंज होता है। जो आप देख के गा रहे हो, जो आप वैसे फील करके गा रहे हो ना, उसमें भी चेंज आपका इंटरेस्ट होता है ना। आपको इंटरेस्ट इस चीज में है तो फिर आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब याद हो जाता है, सुन के याद हो जाता है, उसको फिर निभाना। सही। अच्छा, तुम एक देखो आप गीत सुनते रहते हो और हम करते हैं और एक दूसरे में, और ये नहीं है कि वो, हाँ वही मैं आपको बताने लगी ना, हम ये नहीं करते हैं कि वाह 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 तुमने बहुत अच्छा किया। अगर ये मुझे कोई चीज सेंड करेगी, मुझे जहाँ लगेगा ना कि यहाँ थोड़ा कमी थी, मैंने इसको कहना है। और अच्छी बात यही होती है ना, ऐशक कह देगा कि हाँ जी हाँ जी वाह जी वाह, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका जो अच्छा एक दोस्त है वो आपको, हाँ वो अच्छा मशवरा जरूर देगा, जो आपको आपकी खामियों के बारे में, ये सिंसियरिटी है। तो मैं अगर इसको मुझे कोई लगती है मुझे बता। अच्छा, इतना एक गाल है खामियां दे बारे दोस्त जी है कोई दस्से ने, लेकिन एक्सेप्ट करना बड़ा औखा, कुछ लोग हकीकत को मने दे नहीं मैं नहीं, मैं भी करती हूँ, ये भी करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फ्रेंड सर्कल है छोटा सा, ये ज्यादा बड़े लोग नहीं है, तो हम उनमें एक्सेप्ट किया जाता है, जो बात गलत है तो गलत है, बिकॉज ये चीज ना ऐशा हमें हमारे घर से भी मिली है। बिल्कुल, मैंने ये चीज देखी, मैंने अपने बाबा में भी देखी थी, मैंने अपनी मामा में भी देखी थी कि ये चीज थी, जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक, तो वो चीज आज तक हमारे अंदर डेवलप है। ठीक है, अगर मेरे काम में कोई गलती निकालेगा ना, तो मुझे भी लगता है, देखें जो काम करने वाला होता है उसको भी बेहतर पता होता है कि वो कितना कर सका, आपकी बात के निभाया अच्छा है आपने। ठीक है, तो मुझे अभी अभी मैंने फॉर एग्जांपल जो गाना गाया, मुझे लगा कि मैंने कई जगह नहीं कही। ठीक है, अगर वो मुझे भी लगा, अगर मुझे अनीला कह देगी या आप कह देंगे ना सबिका तुमने फलां जगह नहीं की, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नहीं की, और वो करने की कोशिश करेंगे और उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। बाज लोग होते हैं जो ढीठ बन जाते हैं, बाज लोग होते हैं ढीठ, नहीं 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 ये सही था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, नहीं
मैं तो सलाह है आपकी, बेसिकली सलाह हो रही है ना, ये सलाह हो रही है और मैं इस चीज को बड़ी, मैं इसको पॉजिटिविटी से लेती हूँ कि नहीं यार ये इसने मेरे लिए किया है, इसने ये बात की, तो मैं फिर उसको बार बार सुनती हूँ, बार बार प्रैक्टिस। अच्छा एक रूटीन वाइज काम दी सगाल करने पे है कि है को अपनी यानी खामी को तस्लीम करने, लेकिन रूटीन वाइज अपने पर्सनल लाइफ की सगाल करें तो वाली वैसे अपने खामियों को मनने वास्ते तैयार नहीं, लेकिन दोस्त सा को सीधा पे कि ये चीज ये हकीकत है मन में तो वाले नहीं ऐसा इनकार। आज के दौर में हर कोई कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं भी ठीक हूँ क्योंकि ब्रेक घिरनी है अभी तो बाकी ठीक है ना। नाजिन चलते मैं छोटी ब्रेक देखे थे ना वैसे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर कुछ सवेल दे रहेंगे और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ दे जड़े मालिक हैं सिंगर जड़े हैं आज दे सिंगर खवातीन जड़े हैं लड़कियां जड़े हैं खवातीन नहीं छोट कर रहा खवातीन अभी हम छोटी हैं। हाँ मैं लड़कियां कहूँगी प्यारे प्यारे जो है ना चुन्नी मुनिया जो होती है ना बच्ची तो ज्यादा अच्छा लड़कियाँ सारे नाल बैठे थे बड़ी प्यारी आवाज है क्यूट क्यूट और कुछ यार क्यूट के अलावा और जज्बात उभरते हैं और अच्छे गाने निकलेंगे अंदर से प्यारे प्यारे गाने निकलेंगे करें करें आयशा यू कंटिन्यू बचपना भी निकलेगा। अच्छा सबको ज्यादा डर बचपन में किस चीज को लगता है और होने किस चीज को लगता है अब तो हम डराते हैं डरते तो नहीं। अच्छा हम कौन ख्वाब बन गए। अच्छा तो पहले डरते थे। हाँ डरते थे मीन्स के बड़ों से डर लगता था अपनी किसी गलती पे डर लगता था कि मार पड़ेगी वो तो जाहिर होता ही है लेकिन हटते नहीं थे छिपकली से चूहे से कॉकरोच से चीखें निकल जाती है मेरी वॉशरूम। अच्छा अगर इतनी मोटी छिपकली कल की बात है ये ओए ओए ना मैं इधर हो सकूं ना मैं उधर वो खड़ी भी बिल्कुल दरवाजे के ऊपर थी ना मैं बाहर आ सकूं मेरी चीखें 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 बेचारी वो मेरी बेट पाजी तुसी आ जाओ तुसी आ जाओ मैं कहा नहीं 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 हट जाओ हट जाओ मैं ऊपर और मैं ऊपर ही मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई मेरा एक रंग आया दूसरा जाए वो बेचारी मुझे देखे पाजी छिपकली ये कुछ नहीं कहती मैं कहा नहीं 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 बहुत कुछ कहती है मोटी है नहीं मोटी। अच्छा नहीं मैं एक जमाने डरती थी लेकिन अब मैं मारती छिपकली तो एक भी आ जाए ना मेरे घर में तो मैं छोड़ती नहीं हूँ तो सवाब का सवाब और घर की सफाई भी है। अच्छा मुझे बड़ी चिड़ होती है जब छिपकली नजर आ हर जगह थे दीवार थे किचन में बर्तन बहादुर है तो फिर मैं ख्याल चूहा भी मैं मार लेती हूँ कॉकरोच से भी नहीं डरती वैसे मैं नहीं डरती इन चीजों से मैं कहती हूँ मेरा घर साफ सुथरा नजर आया मुझे एक फोबिया हो गया कि घर मेरा साफ होना चाहिए और इस वजह से ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं लगती है और खुद को भी लगता है इरिटेट होता है इरिटेट होता है यार ये चीजें क्यों फिर रही है। वैसे अनिला किस चीज से डर लगता है। अच्छा ये तो हम कह देते हैं ना इन जानवर है परिंदे जो इनसे तो मेरा क्या डर लगता है अल्लाह के बंदों से पता है क्या ऐसा इंसान की ना एक लाइफ होती है हाँ। ठीक है ना उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं हमने मैंने खास तौर पे बचपन में जिस चीज को खोया ना मेरे फादर ठीक है ना बहुत छोटी उम्र में चले गए थे अल्लाह ने जन्नत नसीब तो बस उसके बाद जो फिर लाइफ थी ना उसमें फिर डर को भगाना भी था हर चीज के लिए बिल्कुल वाले एक साया एक स्पोर्ट एक मैं कहती हूँ लोग कहते थे ना माँ है माँ तो है ही माँ का तो कोई नहीं लेकिन बाज क्या हर जगह पे आपको फील होता है कि जो बाप है ना बहुत जरूरी बहुत जरूरी एक मजबूत सहारा जड़ा है और खासतौर पे बेटियों के लिए हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल तो बस वो करते कराते ये चीजों से तो हर कोई हम हर लड़की डरती होगी कॉकरोच हो गया छिपकली होगी लेकिन जो मेजर लाइफ की जो है ना खिलाफ उनके साथ जो है ना अब सर्वाइव करना सीख लिया अब डर नहीं लगता बस अब मुकाबला करना है ठीक है ठीक है नहीं तो मुश्किल ना हम डरते नहीं हम डराते हैं वो सब कुछ अंदर है सब कुछ अंदर है लेकिन अब उस चीज को हमने ना बंद कर दिया है बिकॉज वो सारा वो फेस देख लिया ना हमने जीना सीख लिया समझ आ गई बड़े हो गए ठीक है ना तो अब हम डरते नहीं अब हम डराने की कोशिश करते हैं पहले तोलती है फिर बोलती है या नहीं हाँ। या फिर बोलती रहती है फिर आता है यार मैंने क्या कह दिया अल्लाह नहीं नहीं ऐसा नहीं है कभी कुछ ऐसा कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होती है कि इंसान वही बोले अच्छा ही करे हाँ। इंसान कल को किसी के आगे अगर आप कर बोलना भी चाहो ना तो शर्मिंदगी ना हो ना, मैंने ये क्या कहा था इस वक्त इतना बोला यानी पहले तोलती है फिर बोलती है सोच समझ के ही कोशिश करती है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इतना है कि हमारे अल्फाज खुशी ही देते होंगे किसी को दुख नहीं देते सही सही चाहे मजाक में है चाहे
हम गुस्से में हैं या रंजीदा हैं उतनी लिमिट तक ही बोलना है कि लेकिन मैं इतना जरूर कोशिश करती हूँ कि दिल में ना रखूं, बुरा लगा है ना कुछ कह दूं, ठीक है वक्ती है ना, वक्ती है वक्ती बुरा लगेगा ना, लेकिन वो मैं दिल में रख के वो जो रख के ऊपर से बनावटी दिखाऊं वो नहीं मुझसे होता, ठीक है ना फैमिली में ना बाहर जो कुछ बुरा लगा तो मैंने कह दिया। और ऐसे लोग मोस्टली बुरे लगते हैं ना, लोगों को बुरे लगते हैं, लेकिन हमारा दिल साफ हो जाता है बिकॉज दिल में रखने से कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बड़ी गाल अक्सर लोग आते हैं जैसे हम दिल के बहुत अच्छे हैं यार, दिल के बहुत अच्छे, मुंह पे चाहे जितना सुना रहे हैं दिल के बहुत अच्छे, लेकिन दिल क्या करना है लोगों ने तुम्हारा देख के, कोई नहीं देखता दिल तो, कोई देखता भी नहीं, जबान देखते हैं ना, अखलाक देखते हैं ना, आपकी फीलिंग्स ही दिल की बात ही जबान पे आती है ना, ये कह देना कि दिल के अच्छे हम जबान के कड़वे नहीं, अगर आपका दिल अच्छा है तो वो जबान से ऑटोमेटिकली अच्छी बात। मुझे बात ना वो उन बड़ों की बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि जो इतना कुछ सुना भी जाते हैं फिर कहते हैं नाराज ना हुई, दिल तो चंगा है जुबान दा गंदा है, सारी चीजें जुबान होती है यार, वही निकली वापस नहीं जाती ना, वही निकलती वापस। हाँ अनिला को सुना दो यार, दिल से सुना दो। नो डाउट ये दिल तो गाना है ना, लग रहा था सारे फीलिंग्स जड़े हैं और सारे ही तरह जड़े अल्फाज नाल बिल्कुल मैच खाने पे और पता चलता पे कि वाकई दिल लग गए, जबरदस्त जबरदस्त। ये जो आप फीलिंग है ना जो देते हैं ना, हाँ। जब दिल से आप देते हैं तो वो फिर आपकी सच्चाई आपकी आपके फेस पे भी नजर फेस पे नजर आती है, आवाज सफाई है, फीलिंग आंदे पे हैं, सुनने भी फीलिंग आंदे पे हैं कि वाकई दिल ने ओपरा गाना गाने ना वो मजा नहीं आता पे आंदा, लेकिन लगता पे कि वाकई जबरदस्त जबरदस्त बहुत अच्छे दिल में जाके लगी ठा करके और इधर ही नाजुन चलते पे हैं जनाब ब्रेक पे कितने नवे से सर ना दस
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अब से तक सवेल दे रंगे च। और जनाब जी बिल्कुल ब्रेक बहुत सारी गुफ्तगु भी थी पई है अनिल आदे पर, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हाँ, बहुत जल्दी फील करे नहीं हाँ, और ये फीलिंग्स क्योंकि जल गीत गाने पियान थे इन्होंने आके थोड़ी जहाँ पानी जी नमी फील असा भी की है कि वाकई हकीकत है। और क्यों शुरू की आदत थे मतलब बहुत ज्यादा फील करना रुझे मामले की बात इमोशनल कि मैं आप वो कहते ना ड्रामा देखते हुए कुछ ऐसा सीन आ गया इमोशनल हाँ, तो आप रो रहे हो हाँ, मैं उनमें से भी हूँ, मैं उनमें से भी हूँ। और हाँ, ये नहीं कि बस हल्का फुल्का है, मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं खुल के रो लू इतना शौक है। मेरी अम्मी कहती है नाक पे रोना जिस बंदे का, इवन के आपने किसी का ना टीवी पे कुछ ऐसे ही कोई इमोशनल टॉक भी कर दिया ना तो मैं उसकी फीलिंग को जैसे बंदा खुद पे नहीं तारीफ करता। अब मेरी सिस्टर्स हैं उनके बच्चे हैं ना, वो उनकी माए उतनी पोसेसिव नहीं होंगी उनके बारे में जितनी मैं हूँ। एक ने दूसरी को कुछ कह दिया तो वो मोहरा जिसे कहते हैं ना बनना हाँ, वो मैं बनती हूँ यानी कूद लड़ना और उसके बाद वो फेंक दे पूरा बायरन होता है यार ये क्या है बच्चों की लड़ाई में क्यों कूद है क्यों उसने ज्यादती की उसने ये किया। मेरी भाभी कहती है आप ऐसा ना किया करो, उनकी आपस में नहीं होती लेकिन आप मोहरा बन गए और आपकी हो जाती है सबके साथ। मैंने कहा मुझे जो चीज नहीं बर्दाश्त नहीं होती कह दे सेंसिटिव शुरू दे हर चीज बुरी लगनी को माइंड करवाना यानी इतना दे है ताको मनावना भी तो मुश्किल काम हो सी बिल्कुल है ना बिल्कुल। और जिद्दी था तो साहो साखे में नेचर वाइज बहुत जिद्दी हम थे किन चीजें जिद कर कुछ कंट्रोल करती हूं अब कंट्रोल करती हूं अम्मी मतलब ना समझाती रहती हैं कि हर टाइम इंसान का एक ही टाइम नहीं रहता थोड़ा इंसान को चेंज करना पड़ता है कोशिश करती हूँ। मेरी तकरीबन इवन माशाल्लाह सारी बहनें जो है हम लोग बहुत ज्यादा आपस में फ्रेंडली हैं तो वो भी कुछ हो भी जाता है ना तो मुझे सेव करने के लिए या मतलब के इसको ये चीज ना कर वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता ना करती रहती है कि नहीं नहीं इस तरह नहीं चलो कोई नहीं हो जाता है इस तरह कर ले मतलब समझाते हुए भी वो मुझे जो है ना कूल डाउन हाँ, कर लेती है कि नहीं ठीक है बस हो गई है हो गई गुजर गई मटी पाओ। अच्छा लोगों को मार्केटिंग देते हो शॉपिंग करेंगे तो क्या लग रही थी तो सभी शॉपिंग इतने शौकीन हो या बस लोगों को देते हो तो लग रहा है कि लोगों को ज्यादा पैसा आ गया था या लोग ज्यादा खर्चीले थे क्या है तारी पैसे शौक तो लेडीज को तो बहुत होता है आपको पता है लेकिन नहीं बस जिस चीज की जरूरत होती है मैं उतना खर्च करती हूं। ठीक है और जो लोग शॉपिंग पहले था काफी उन्हें देख के क्या लगता है खवातीन को जो अल्लाह ने अक्ल दे दी बिकॉज हम औरतों के बारे में ये भी शुक्र है ना कि जी इनकी कबड़ में इतना सूट पड़ा होता है जब इन्हें कहो कहीं जाना है तो वो कहते कोई कपड़ा ही नहीं है कोई कपड़ा ही नहीं तो बस मुझे कपड़ों का बहुत शौक है हाँ। अच्छे लगते हैं अच्छे कपड़े अच्छा जूता मैं हमेशा तरह रिठे में दूसरी दफा मुलाकात थी पे ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है पूछने वाली थी प्रोग्राम में बाद अच्छा आप ले लें नहीं थैंक यू प्रोग्राम की बात है अभी प्रोग्राम कर रहे तो मीन्स की अच्छा आप एक चीज ले लो अच्छी ले लो हाँ ज्यादा नहीं की जी फजूल खर्ची नहीं क्योंकि और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं मीन्स की लिमिट में रह के काफी सारी चीजें कर लेती हूँ। और समटाइम तो मेरे लिए तो काफी इतना टाइम गुजर जाता है कि मैं काफी ऐसा कुछ ले भी नहीं पा रही होती काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। अच्छा ये शादी को पहले सिचुएशन में है ये शादी के बाद शादी की बात की जो मामाएं अपने लिए कुछ रखती भी है ना तो वो फिर जो पीछे होते हैं ना मामा फ्लावा तो फिर माँ रख नहीं सकती अच्छा बेटा आप ले ले आप कर ले आपके लिए कुछ ले लेते हैं तो ये मामा बनने की बात की फीलिंग्स है ना हाँ, उससे पहले तो हम अपने माँ बाप को तैयार ही नहीं होते ना पहले तो नहीं तैयार होते घर में तो कोई भी नहीं होता हाँ माँ बाप के घर में कोई नहीं होता चाहिए बाद में आके फिर अच्छा आयशा मुझे याद है मैं हाँ। चार दो तीन चौथे नंबर पे मैं अपने बहन भाइयों में से तो मुझे याद है कि मामा जो मामा खुद बहुत अच्छे डिजाइन करती थी कपड़े तो वो जो भी सिलवा के पहनाते थे ना सी के खुद भी तो मैं उसी में खुश हो जाती थी। मुझे नहीं याद आज तक कि मैंने कहा होगा कि मुझे फलां चीज चाहिए मामा ही इतना अच्छा करके पहना देती थी कि मैं उसी को ले लेके फिर मेरे मामा ने फ्रॉक सी है मेरे मामा ने ये किया मेरे मामा और जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो हंसती थी तो बाबा ने ना उनके साथ मिलके तो मेरा मजाक उड़ाना ना मेरा बड़ा सोना बच्चा है इसका ऐसे ना करो ये मेरा थोड़ा सा एक्चुअली घर में कलर थोड़ा सा ना कम था हाँ, बाकी बहन भाइयों की निस्बत हाँ तो वो ना मेरी मामा बड़ा हो तो मेरे बाबा भी कहते ना ना ये मेरा काला सोना बच्चा है इसका ना करो बाकी मेरी जो बड़ी सिस्टर्स माशाल्लाह वो एक्स्ट्रा फेयर वो मामा पे उनका काला सोना बच्चा है ना तो वो मैंने फिर जो भी पहनना ना तो मेरे बाबा ने कहा सारा कुछ मेरी तीनों सजदा है मेरी मामा ने कहा सब इनू सजदा है सारा कुछ तो मैंने उसी में खुश हो जाना कि बस जो मेरी मामा ने ले दिया अब समझ आती है कि नहीं वो तो मजाक था तो अब जब उसके जो है ना अपोजिटली मेरी अम्मी है ना बहुत स्ट्रिक्ट अम्मी जी ने कहते हैं ना लाड नहीं जिन बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना वो नहीं है ठीक नहीं लेना तो नहीं लेना फजूल खर्ची मतलब, नहीं करनी तो नहीं करनी पढ़ा तो पढ़ा ख्वाहिशात इंसान हर माँ बाप कोशिश करता है पूरी करने की हाँ।
लेकिन बात वही है कि शायद वो अब्बू नहीं थे ना, तो माँ बाप दोनों बनना था, तो इस वजह से वो परवरिश में वो चीजें की हैं कि बस जो है वो है, वो डबल पर्सनालिटी से चलने लगी। हाँ, वो मतलब अब्बू वाली भी और अम्मी वाली दोनों को करती रही। अच्छा, गाने तो बहुत ज्यादा हैं और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी रखेंगे रखेंगे लड़कियों और भी रखेंगे, उस पे हम फिर बुलाएंगे। और मैं चाहता कि काले वाले चला सभी का कोई गीत थी उन्हें। मुझे भी बड़ा प्यारा सा सॉन्ग याद आया जो मेरे बाबा भी बड़े शौक से सुनते होते थे, लता जी का सॉन्ग है, मुझे भी बड़ा पसंद है, वो मैं सुनाती हूँ। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई, हालत ये मेरे मन की जाने ना जाने कोई, बरसों है तरसी जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें, बस न चले रे शाम सवेरे लेके तेरा नाम, दिल धड़कता किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। वाह जी वाह, वाकई दिल तो दिल है और वाकई दिल का कोई एतबार क्या है। किसी चीज पे भी आ कभी सकता है, किसी चीज पर आ सकता है और कभी भी बंद हो सकता है। बंद हो सकता है, वही ना। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, तो तशरीफ घिन के आए, बहुत ही अच्छा लगा और वास की गपशप तो बहुत घट लगी है। हमें बहुत कम बोले, हम बहुत बोलना था अभी हमने, और कुछ जानना भी था सुनना भी था। अच्छा, बहुत नेक्स्ट प्रोग्राम 4 घंटे का रखेंगे, है ना, रखेंगे। वो भी आप उस दिन भी इंशाल्लाह कहेंगे कि आज हम कम बोले हैं। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया सभी का, खान हन अनिल अवान हन तरह बहुत शुक्रिया, तो तशरीफ घिन के। और लास्ट जो गीत है ओके, तो सर इकट्ठे गाना चाहो या अलग अलग? ठीक है इकट्ठे गा लेंगे। और थैंक यू आयशा, आपने हमें याद रखा है। आप बोल सकती हैं, तारीफ कर सकती हैं, कुछ सेकंड है। सारी तारीफें आप मैं तो सीधा लिखेंगे ना, पड़ेगा बोलने से कम हो जाएंगी मेरी, क्या तारीफ करूं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आओ जी, खूबसूरत से एक गाना है पंजाबी अपना पाकिस्तानी, वही गाते हैं और उसी पे वाइंड अप कर देते हैं। हां हां, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनी हाय वे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया तेरे मुखड़े तो चन भी शर्मावे, तू एडा रंग रंगीला वे, तू एडा रंग तेरे मुखड़े तो चन भी शर्मावे, तू बता क्यों शर्मीला वे, तू बता क्यों शर्मीला वे, हुस्न दा बादशाह इश्क दा शहनशाह, हुस्न दा बादशाह तू इश्क दा शहनशाह, मैं तेरी हो प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया,
वे सब तो सोनिया है वे मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोनिया है वे मन मोनिया वे सब तो सोनिया है वे मन मोनिया।